एक और नए स्ट्रक्चर के साथ हम तैयार हैं आपकी क्लास में। क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा है, मैंने ठानी है आपको अंग्रेजी सिखानी है। आपकी अंग्रेजी में चार चांद लगाने के लिए रेगुलर मैं हंट में हूं कि कुछ न कुछ नया लेके आपके पास आता रहूं। आज के टॉपिक बड़े ही खूबसूरत हैं, जैसा कि बोर्ड पे आप ध्यान देंगे सवाल ही नहीं उठता। मोस्ट ऑफ इन हम अपने डे टू डे लाइफ में जब भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ऐसे सेंटेंस के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ इन हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, सवाल ही नहीं उठता। अब ये कौन सी सवाल नहीं उठता, किस तरह का मसला है? तो जब भी हम कुछ बातचीत करते हैं जिसमें ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जिसपे हम दावा करते हैं ना ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या बोलना क्या है? एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, तुमसे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, तुमसे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल ही नहीं उठता, इस तरह की बात हो तो मैं चूंकि पहले से भी बोल रखा हूं कि एक फिक्स टर्म में चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको अपने पास से दिमाग लगाना होगा और फिर अंग्रेजी आपके लिए तैयार होगी और फिर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल मस्त होगी, फ्लो में होगी। तो करना क्या है, सिंपल सा, जब भी ऐसे कोई सेंटेंस आएगा जिसमें आपको बोलना होगा कि सवाल ही नहीं उठता, तो इसके लिए एक फिक्स टर्म क्या लगाएंगे, क्वेश्चन ऑफ, ये तो फिक्स बोलना है। और फिर हमने एक डैश कर दी हुई है, ध्यान दें, क्वेश्चन ऑफ डैश, उसके बाद से लिखा है सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ डैश सिंपली डज नॉट अराइज, ये फिक्स टर्म में बोलना है। अब क्या, चूंकि डैश मैंने बोला था, उस डैश में क्या भरेंगे? तो बड़ी सिंपल सा चीज, भी यानी कि वर्ब, और उस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा। तो आपका काम सीधा सीधा होगा कि वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और आईएनजी लगाने के बाद से इन केस अगर कोई ऑब्जेक्ट बचता है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, तुमसे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, तुमसे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसको हम ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। पहले जैसा कि लिखा है, तुमसे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो आपको फिक्स टर्म में बोलना था क्वेश्चन ऑफ, और आगे बोलना था सिंपली डज नॉट अराइज, बीच में लगाना क्या है, बात करना, वो भी तुमसे, तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू यू सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू यू सिंपली डज नॉट अराइज, ये आपका सेंटेंस होगा। और ऐसे ही तमाम सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, चूंकि टर्म फिक्स है तो इसलिए बहुत कुछ बताना सिखाना आपको नहीं है, फिक्स टर्म में पूरी पूरी सेंटेंस बोलनी है और आगे करना क्या होगा, एक लाइन का काम, वो क्या है कि वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, अगर कुछ ऑब्जेक्ट बचता है तो लीजिए, नहीं तो फिर फाइनल। तो चलिए एग्जांपल मैं फटाफट आपको देता हूं, झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, किसी ने आपको कन्विंस किया यार थोड़ा सा मेरे लिए झूठ बोल देना, तो आपने क्या कहा, ना ना झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन ऑफ टेलिंग अ लाई सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ टेलिंग अ लाई सिंपली डज नॉट अराइज। अब आपको क्या करना है, उससे मिलने का तो सवाल ही उठता, मैं तो नहीं मिलने वाला, उससे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन ऑफ मीटिंग हर सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ मीटिंग हर सिंपली डज नॉट अराइज। अब नेक्स्ट आपको क्या बोलना था, उसको पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता, कोई ऐसा बच्चा है बड़ी ही शरारती है, उनके पेरेंट्स ने कहा सर थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, तो आपने क्या बोला, ना ना क्वेश्चन ऑफ टीचिंग हिम सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ टीचिंग हिम सिंपली डज नॉट अराइज। मोल भाव का तो सवाल ही उठता, किसी आप दुकानदार के पास गए, उसने आपकी पर्सनालिटी को देखा, फिर उसे यकीन हो गया कि ना ना ये बंदा तो मोल भाव नहीं कर सकता, या फिर क्वालिटी जो चीज मैं दे रहा हूं यूनिक है और उसमें कहीं मोल भाव की गुंजाइश नहीं है, तो क्या बोला आपने, ना सर उसने बार्गेन करनी चाहिए, तो आपने क्या बोला, क्वेश्चन ऑफ बार्गेनिंग सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ बार्गेनिंग सिंपली डज नॉट अराइज, मोल भाव का तो सवाल ही नहीं उठता, उधार देने का सवाल ही नहीं उठता। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे कुछ मिल जाए उधार, तो आपने क्या बोला, ना सर क्वेश्चन ऑफ गिविंग क्रेडिट सिंपली डज नॉट अराइज। फिर आपको क्या बोलनी है, भोजपुरी गाना गाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन ऑफ सिंगिंग भोजपुरी सॉन्ग सिंपली डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ऑफ
सिंगिंग भोजपुरी सॉन्ग सिंपली डज नॉट अराइज। टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। माफ करना भैया, मैं टाइम वेस्ट करने वाले में से नहीं हूं। टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही उठता। क्वेश्चन ऑफ वेस्टिंग टाइम सिंपली डज नॉट अराइज। क्वेश्चन ऑफ वेस्टिंग टाइम सिंपली डज नॉट अराइज। तुम्हें इग्नोर करो ऐसा कहां यार, तुम्हें इग्नोर करने का तो सवाल ही उठता। हो जैसे कभी कभी कॉल आई और हमने देख नहीं पाया, तो ऐसे में लोग कहते हैं कि तुम तो मेरे कॉल को इग्नोर करते हो, आपने क्या बोला? नहीं सर, क्वेश्चन ऑफ इग्नोरिंग यू सिंपली डज नॉट अराइज। आपको इग्नोर करूं, सवाल ही नहीं उठता सर। तुम्हारा विश्वास करूं, कोई बंदा है जिसको आपने एक दो बार चार बार परख लिए हैं, तो क्या कहा? तुम्हारा विश्वास करूं, सवाल ही नहीं उठता भैया। तो आपने क्या बोला? क्वेश्चन ऑफ बिलीविंग यू सिंपली डज नॉट अराइज। क्वेश्चन ऑफ बिलीविंग यू सिंपली डज नॉट अराइज। इंग्लिश में बात करूं, सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंपली डज नॉट अराइज। और ऐसे तमाम सारे हैं। आप खुद से सेंटेंस को क्रिएट करें और अपने डे टू डे लाइफ में उसका जम के इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूं बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्लीज डोंट इग्नोर, कीप प्रैक्टिसिंग। खूब प्रैक्टिस करिए और अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।